शुरुआती प्रेगनेंसी में तो स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो होती है, मतलब ये कि कई महिलाओं के जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उनका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगता है। वहीं हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण अगर बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बढ़ने के कारण, HCG हार्मोन्स के बढ़ने के कारण, मतलब ये कि प्रेगनेंसी में कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो नए उत्पादन होने लगते हैं उनके, उसके कारण स्किन में तो ग्लो होता है कई महिलाओं को, लेकिन जिस महिलाओं को एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा उभर उभर के दिखने लगते हैं, यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी से ही उनकी स्किन के जो पिंपल्स और एक्ने हैं बहुत ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं और उनकी स्किन इस वजह से उनका जो फेस है काफ़ी ज़्यादा डल लगने लगता है। स्किन में ग्लो तो आ रहा है, ब्राइटनेस तो आ रहा है, लेकिन साथ में एक्ने और पिंपल्स भी आ रहे हैं। तो ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण तो है ही, साथ में इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपको क्या करना है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है, जिसमें कि प्रेगनेंसी में मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हार्मफुल केमिकल से दूर रहना है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है ममा अर्थ के प्रोडक्ट। ममा अर्थ के रिसेंटली प्रोडक्ट जो मैंने अपने लिए यूज़ किए, क्योंकि मुझे भी कई पिंपल्स इधर जो है विजिबल होने लगे थे, तो मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया है ममा अर्थ टी ट्री फेस वॉश, जिसमें कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेगा टी ट्री एंड नीम, जो कि एक्ने और पिंपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये फेस वॉश मैं हमेशा रूम में और सोने से पहले एक बार अपने फेस को ज़रूर वॉश करती हूँ। इससे जो भी दिन भर का जो भी डस्ट मेरे स्किन पे पोर्स में जमा रहता है वो सारा निकल जाता है, इससे पिंपल्स और एक्ने कम होते हैं। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैंने बोला कि टी ट्री और नीम है, जो कि आपके एक्ने और पिंपल्स को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही इसमें पैराबिन और SLS फ्री है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये हर एक स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसमें आपको लेवेंडर ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, इसलिए इस फेस वॉश को मैं लंबे समय से यूज़ करते आई हूँ। दूसरा, अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखते हो, स्किन काफ़ी ज़्यादा रूखा हो जाता है, सॉफ्टनेस चला जाता है स्किन का, तो लंबे समय के लिए आपको ऐसे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है जो कि लंबे समय के लिए आपके स्किन को नरिश, मॉइस्चराइज और सॉफ्टनेस बनाए रखे। तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ममा अर्थ टी ट्री ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। ऑयल फ्री इसलिए कि अगर स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल इकट्ठा रहता है तो इससे पिंपल्स और एक्ने बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ये मेरे स्किन को 24 घंटे तक हाइड्रेटेड रखता है। इसमें कोई भी पैराबीन और सिलिकॉन नहीं मिलेगा, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही मिलेंगे, क्योंकि ममा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं। बहुत ही लाइट वेट है, इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल चिपचिपा फील नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपने क्रीम लगा लिया है। ये एक्ने और प्रॉन स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। इस मॉइस्चराइज़र का नेचुरल की इंग्रेडिएंट्स जैसे कि इसमें टी ट्री, सैलिसिलिक एसिड, विटामिन ई, ब्लैक ओट्स एक्सट्रैक्ट, इस तरीके के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे जो कि आपके स्किन को लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखते हैं, नरिश रखते हैं, सॉफ्ट रखते हैं, आपके एक्ने और पिंपल्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये दोनों को आप नायका, अमेजोन, ममा अर्थ और पर्पल से बाय कर सकते हो। आप मेरा खुद का कूपन कोड सहेली 2021 यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको 20% की छूट मिलेगी mamaearth.in पर। ममा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और इंडियन ब्रांड है। जब भी आप ममा अर्थ के प्रोडक्ट बाय करते हो तो वो आपको एक वेबसाइट से लिंक कर देंगे जहाँ ममा अर्थ ट्री प्लांट करते हैं, तो उसकी जियो लोकेशन, स्पीशीज, बाकी सारे डिटेल वो आप तक शेयर करते रहते हैं, तो है ना बहुत अच्छी बात। रिसेंटली ममा अर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स, ऑफर और जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो ऐप को इंस्टॉल करके आप वहाँ से बाई करोगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। उस ऐप के इंस्टॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हो। इन दोनों का परचेज़ लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के एक्ने पिंपल्स को ही कम करने हैं, अगर आप स्किन का ख्याल नहीं रखते हो तो पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा दिखने लगते हैं, तो उस स्थिति में भी आप इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाए। धन्यवाद।